हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो आप पहचानेंगे कैसे कि माउथ के अंदर जो ग्रोथ है क्या वो नॉर्मल है या कैंसरस है। तो इस पे हम लोग बात करते हैं कि माउथ में अगर किसी भी प्रकार का कोई ग्रोथ या अल्सर हो रहा है तो हम उसे कैसे समझेंगे कि ये जो अल्सर है या ये जो ग्रोथ है वो डेंजर साइन शो कर रहा है। तो सबसे पहली चीज़ है कि जब भी कोई माउथ में ग्रोथ होता है तो वो अपने आसपास के एरिया को रेड कर देता है, रेडनेस आ जाता है, वहाँ पे सूजन आ जाती है। और इस सूजन के कारण आप जब भी कुछ खाएंगे पिएंगे तो आपको वहाँ पे पेन महसूस होगा। लेकिन कुछ ऐसे अल्सर होते हैं जो कि पेनलेस होते हैं और फिर भी वहाँ पे जो है डेंजरस साइन वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे पेनलेस अल्सर का मेरा मतलब है कि उस एरिया में पेन का टच करने से कोई भी पेन नहीं होना, लेकिन आसपास के जो एरिया है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव दिखना है। जैसे कि वहाँ पे आपको कवरिंग दिखेगी जो कि वाइट कोटेड कवरिंग होगी, और ये जो कोटिंग होगी, ये जो कवरिंग होगी, वो धीरे धीरे जो है सेकेंडरी इन्फेक्शन का रूप ले लेता है और जो आपका अल्सरेटेड उंड है उसको चारों तरफ से ये कवर कर लेता है। तो समटाइम जो अल्सर होते हैं वो पेनलेस होते हैं, लेकिन जो इनिशियल आपके अल्सर हैं और कोई ग्रोथ है जो कि अर्ली इन्वेजिव कैंसर, जिसे आप कहते हैं कि अर्ली स्टेज ऑफ कैंसर, तो वहाँ पे क्या बदलाव दिखेगा? वहाँ पे आपको रोल्ड आउट मार्जिन दिखेंगे। रोल्ड आउट मार्जिन का मतलब होता है कि आपको लगेगा कि यहाँ पे जैसे कोई रोल बन के उभरा हुआ है, जो आपकी सतह है अल्सरेटेड उंड की, वहाँ पे एक बॉर्डर एरिया क्रिएट हो जाएगा और अल्सरेशन वहाँ पे सरफेस के प्लेन लेवल पे नहीं होगा। यानी जो अल्सर है उसके सराउंडिंग के जितने भी सॉफ्ट टिश्यू हैं वो रोल्ड आउट मार्जिन के साथ आपको दिखेंगे, जैसा मैं अभी फ़ोटो में दिखा रही हूँ। ठीक उसी तरह से आपको वहाँ पे रोल्ड आउट मार्जिन दिखेंगे, एक बॉर्डर लाइन क्रिएट हो जाएगा। और जब भी आप कभी इस बॉर्डर लाइन को टच करेंगे तो आपको ज़्यादा पेन महसूस होगा। तो ऐसा क्यों होता है? तो जब भी कोई अल्सर या उंड काफ़ी लंबे समय तक माउथ के अंदर परसिस्ट करता है तो अगर उसमें इन्वेजन के चांसेस हैं, यानी कि अगर उसमें कार्सिनोमा होने के चांसेस हैं, तो आसपास के जो एरिया होते हैं, जो आपके सरफेस हैं, म्यूकोसल एरिया, वहाँ पे वो इन्वेड करना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो ट्यूमर सेल्स होते हैं वो आसपास के एरिया में पहले इन्वेड करते हैं, इम्बेड होते हैं, जिसके कारण से वहाँ के कनेक्टिव टिश्यू के लिए वो नया सेल होता है और नए सेल के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स शो होता है। और इस इन्फ्लामेशन के कारण वहाँ पे जो सरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल हो जाता है, वहाँ पे जो एरिया है वो रोल्ड आउट हो जाता है। इसके बाद भी अगर इस कंडीशन में, अर्ली इन्वेजिव कंडीशन जो होता है कैंसर का, अगर इसमें इलाज नहीं होता है तो फिर क्या आगे ऐसे सिम्टम आते हैं? तो जो आपके लिम्फ नोड हैं, जो गले के लिम्फ नोड हैं, जिसे हम लोग कहते हैं रीजनल लिम्फ नोड, ये आपके हेड एंड नेक रीजन में रीजनल लिम्फ नोड पाए जाते हैं और ये अलग अलग लेवल पे होते हैं। जैसा कि मैं बता दूं कि लेवल वन में आपका जो है सब मेंटल, सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड आता है, उसके बाद जो है डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड है, कुछ सुपरफिशियल सर्वाइकल लिम्फ नोड है। तो इस तरह से जो लिम्फ नोड हैं वो अलग अलग लेवल पे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहले अगर माउथ में कहीं भी इन्फेक्शन होता है, चाहे वो आपका टंग हो, फ्लोर ऑफ माउथ हो या फिर बकल म्यूकोसा हो, तो जो ड्रेनेज होता है वो आपका सब मेंटल और सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड में सबसे पहले होता है। इसके बाद जो है आपका जुगलो डाइगेस्ट्रिक और जुगलो ओमोहाइड, ये जो लिम्फ नोड है ये इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे लिम्फ नोड क्यों स्वेल होता है, सबसे पहली चीज़, तो जो लोकल लेवल पे जो रोल्ड आउट मार्जिन थे जहाँ पे ट्यूमर सेल इम्बेड हुए थे, वो ट्यूमर सेल अब आपके लिम्फ नोड में लिम्फैटिक चैनल के थ्रू जाते हैं। और ये जो लिम्फैटिक चैनल है, यहाँ पे इनका काम होता है कि कोई भी फॉरेन बॉडी है तो उनको वो पकड़ के रखते हैं, कैप्चर करके रखते हैं और आगे आपके अलग अलग सिस्टम के लिम्फैटिक ड्रेनेज में जाने से बचाते हैं। तो जब भी आपका रीजनल लिम्फ नोड इन्वॉल्व होता है, यानी कि
आपका लोकल लेवल पे जो लिम्फ नोड है, आसपास का जो लिम्फ नोड है वो इन्वॉल्व होता है। जैसे माउथ के लिए मैंने बताया हेड एंड नेक रीजन में जो लिम्फ नोड है वो इन्वॉल्व है, ठीक उसी तरह से जो आपका ब्रेस्ट कैंसर होता है तो वहाँ पे एक्जिलरी लिम्फ नोड यानी आपके आर्म पिट में जो लिम्फ नोड है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो अलग अलग लेवल पे लिम्फ नोड आपके इन्वॉल्व होते हैं। अब ये लिम्फ नोड इन्वॉल्व होते हैं तो फिर क्या सिम्टम होंगे, तो आपको यहाँ पे जो है जो अंदर की तरफ पेन था, चाहे वो आपका जो रोल्ड आउट मार्जिन था, वहाँ से ट्यूमर सेल एस्केप होके आपके कुछ ट्यूमर सेल्स जो है वो लिम्फ नोड में पहुँचते हैं और उन्हें वहाँ पे फॉरेन बॉडी की तरह ट्रीट किया जाता है, यानी जो आपकी बॉडी के डिफेंस सिस्टम है वो उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं उसको ख़त्म करने के लिए। लेकिन यहाँ पे आपका जो ट्यूमर सेल है वो लगातार जो है प्रोग्रेस करता है, लगातार उसमें अनकंट्रोल्ड डिवीज़न होता है और उसको वो कैप्चर नहीं कर पाता है, जिसके कारण से आपको आपके जो स्वेलन लिम्फ नोड है वहाँ पे भी पेन आपको महसूस होता है। तो कुछ जो अर्ली इन्वेजिव कार्सिनोमा होते हैं वहाँ पे पेनफुल कंडीशन होता है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जिसमें पेन नहीं होता, पेनलेस भी होता है। तो ऐसे कंडीशन में भी आपको सतर्क रहना है, ऐसा नहीं सोचना है कि अल्सर है पेनलेस है तो उसको कुछ नहीं दिखाना है डॉक्टर से, तो ऐसा नहीं करना है। और जो नॉन कैंसरस ग्रोथ होगा वो बिल्कुल फ्लैट रहेगा, उसके मार्जिन्स बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे और उसके मार्जिन्स रोल्ड आउट नहीं रहेंगे। इसका मतलब है कि रोल्ड आउट मार्जिन का मतलब है कि यहाँ पे जो आपके ट्यूमर सेल्स हैं वो नीचे के लेयर्स में जा चुके हैं, यानी कि आपके कनेक्टिव टिश्यू में एम्बेड हो चुके हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको अपना उचित डायग्नोसिस कराना चाहिए, उचित इलाज लेना चाहिए सही समय पे। अगर आप इस लक्षण को देखते हैं और समझते हैं तो आप इसको आगे जाने से यानी कि मेटास्टेसिस से आप इसे रोक सकते हैं, स्टेज 3 या स्टेज 4 में जाने से आप इसे रोक सकते हैं, और स्टेज 1 और स्टेज 2 में अगर आप इसका इलाज लेते हैं तो 80-90% ऑफ केसेज में 5 ईयर एटलीस्ट सर्वाइवल रेट होता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन मिनिमम 5 ईयर सर्वाइवल रेट होता ही है। तो आपको जो है इस वीडियो से अगर हेल्प मिलता है तो इस वीडियो के लिए आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और इससे जुड़े हुए आगे जो भी जानकारी आपको मिलेंगे उसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।